नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, परिष्कार ऑनलाइन सरदार सर के यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। तो हुमायूं बाबर के दो पार्ट हमने पढ़ लिए थे, अब मैं उसके बाद में उसका बेटा हुमायूं के बारे में, जो इसका उत्तराधिकारी था हुमायूं के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप निरंतर पढ़ते रहें, आपको ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें आप। और तो मैं आज मुगल साम्राज्य में बाबर के दो पार्ट करवा दिए थे मैंने, तीसरा पार्ट मैं आपको करवाने जा रहा हूँ हुमायूं, जो आपको बताया बाबर का सबसे बड़ा बेटा था और उत्तराधिकारी के रूप में बना था। तो नाम से ही पता चल रहा है, वैसे हुमायूं का जो शाब्दिक अर्थ था आपने कभी पढ़, नाम तो सुंदर था, शाब्दिक अर्थ भी अच्छा निकला, लेकिन उसके विपरीत उनमें गुण थे। तो हुमायूं का जो शाब्दिक अर्थ है, हुमायूं का शाब्दिक अर्थ, आपको कई बार प्रश्न पूछ ले हुमायूं का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यशाली, लेकिन वो भाग्यशाली नहीं था, भाग्यशाली। तो हुमायूं का शाब्दिक अर्थ क्या था? भाग्यशाली था। तो आपको पता है हुमायूं बाबर के ज्येष्ठ पुत्र था और महम सुल्ताना का बेटा था ये। तो हुमायूं का शाब्दिक अर्थ भाग्यशाली था। और यदि इसके पिता का नाम पूछें तो आपको बताएं बाबर का पिता का नाम क्या था, हुमायूं के पिता का नाम बाबर था। क्या था? पिता का नाम बाबर। और माता का नाम यदि आपसे पूछ लें कि उसके माता का नाम क्या था, तो माता का नाम महम सुल्ताना, महम क्या था? सुल्ताना था। तो आपको पता है हुमायूं का जो कार्यकाल था 1533 से लेकर 1556, क्योंकि 1533 में हुमायूं गद्दी पर सिंहासन पर बैठा था। तो हुमायूं का शाब्दिक अर्थ भाग्यशाली था और पिता का नाम बाबर था, माता का नाम महम सुल्ताना। अब आपसे वो प्रश्न क्या पूछ रहा है, सबसे पहले ये पूछ रहा है कि इसने हुमायूं की जो कमजोरी थी, एक विद्वान था लेनपुल, बहुत शानदार क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछा भी जाता है। हुमायूं के बारे में लेनपुल ने कहा था, हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते ही हुमायूं जिंदगी में लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते ही दुनिया से चला गया। तो आपको पता है सबसे बढ़िया बात कि हुमायूं का कार्यकाल 1526, हुमायूं का बाबर का चार पुत्र थे बाबर के, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल और एक पुत्री का नाम था गुलबदन बेगम। तो आपको पता है हुमायूं का शाब्दिक अर्थ भाग्यशाली था लेकिन भाग्यशाली नहीं था, पिता का नाम बाबर था, माता का नाम महम सुल्ताना। तो आपको पता है लेनपुल एक इतिहासकार था, लेनपुल इतिहासकार ने कहा हुमायूं जिंदगी में लड़खड़ाते दुनिया से चला गया। एक कथन और आता है कि हुमायूं जिंदगी में ठोकरे खाते दुनिया से क्या हो गया, चला गया। कथन एक ही है, तो हुमायूं जिंदगी में लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते दुनिया से क्या चला गया, या दुनिया से चला गया। सबसे बड़ी कमी थी इसमें हुमायूं सुंदर था, हुमायूं सुंदर होने के कारण सुंदर और दयालुता ये हुमायूं के पतन का कारण बनी थी। तो आपको पता है दयालुता, तो सुंदरता और दयालुता ये हुमायूं की कमजोरी के कारण बने थे, इसलिए हुमायूं के पतन के कारण भी हुए थे। तो आपको पता है शाब्दिक भाग्यशाली, पिता का नाम बाबर, माता का नाम महम सुल्ताना, लेनपुल ने कहा हुमायूं जिंदगी में लड़खड़ाते दुनिया से चला गया, सुंदरता और दयालुता और विवेकहीनता, इसी कमजोरी के कारण हुमायूं क्या हुआ, पराजित हुआ। ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। आगे मैं चलता हूँ कि हम जो विशेष नोट के रूप में जो क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, हुमायूं भी आपको संप्रदाय पूछा जा सकता है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, नोट के रूप में लिखाऊंगा मैं इसको, तो आप कॉपी निकालिए और नोट लिखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है कि हुमायूं विशेष तथ्य में, इसको लिख देंगे हम विशेष तथ्य। तो विशेष तथ्य में क्या आएगा, देखो विशेष तथ्य में बात आएगी, ध्यान देना, हुमायूं सत्तारी संप्रदाय का अनुयायी था। तो हम कहेंगे विशेष तथ्य में हुमायूं सत्तारी संप्रदाय का क्या था, अनुयायी था। और
मोहम्मद घोष का शिष्य था। मोहम्मद घोष का क्या था, ये शिष्य था, ये भी ध्यान में रखना आपको। तो विशेष तथ्य में आ जाएगा, हमायूं सत्तारी संप्रदाय का था और अनुयायी था, और मोहम्मद घोष का क्या था, ये शिष्य था। उसके बाद में आपको ये ध्यान में रखना, ऐसी अच्छी चीज़ें हैं। तो विशेष तथ्य में हमायूं सत्तारी संप्रदाय का अनुयायी था और मोहम्मद घोष का क्या था, शिष्य था। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि बाबर ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में बांट दिया था। एकमात्र ऐसा मुगल शासक था, बाबर ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में बांट दिया था। क्या कर दिया था, बांट दिया था। और आपको पता है, जैसे कामरान अस्करी था, इनको हिंदाल, ये पैसा और ये काबुल, ये प्रांत दे दिए थे, सिंध काबुल। और आपको पता है अस्करी था, तो आपको पता है अस्करी को मेवात और ये अलवर का जो क्षेत्र दे दिया था। तो चार भाई थे ये, कामरान, अस्करी, हिंदाल और हमायूं। उसके बाद में आपको वो प्रश्न पूछ रहा है, और बढ़िया, कि हमायूं का क्या मतलब, कौन कौन से। तो सबसे पहले यदि हमायूं की हम बात करें, तो सबसे बढ़िया बात ये है कि हमायूं को गद्दी पर नहीं बिठाना चाहते थे। आपको पता है हमायूं के समय में बाबर का वजीर निजामुद्दीन खलीफा, यह बाबर का क्या था, वजीर था, ध्यान में रखना है। तो हमायूं के समय में बाबर का वजीर निजामुद्दीन खलीफा ने मोहम्मद मेहंदी ख्वाजा को शासक बनाना चाहता था। खलीफा ने षड्यंत्र रच दिया। तो आपको पता है हमायूं के समय में बाबर का वजीर निजामुद्दीन खलीफा ने मेहंदी ख्वाजा को शासक बनाना चाहता था, लेकिन बाद में ऐसा खलीफा ने षड्यंत्र रचा। खलीफा के षड्यंत्र के बाद में मुगल साम्राज्य के मतलब इन्होंने हमायूं गद्दी पर बैठ गया था। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि ये तो आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद में ध्यान में रखना है आपको कि हमायूं ने जो पहला जो आक्रमण किया था, हमायूं का प्रथम जो अभियान था, ये ध्यान में रखना है थोड़ा। हमायूं का प्रथम अभियान, तो ये थोड़ा इसको ध्यान में रखना, हमायूं का प्रथम अभियान 1531 ईस्वी में कालिंजर के ऊपर किया। हमायूं का प्रथम जो अभियान था, ये ध्यान में रखना है, हमायूं का प्रथम अभियान 1531 में कालिंजर के ऊपर किया। उस समय में कालिंजर का शासक चंदेल शासक प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है कि जब हमायूं का प्रथम अभियान था 1531 में कालिंजर के ऊपर, तो उस समय में कालिंजर का शासक चंदेल शासक प्रताप रुद्रदेव को उन्होंने क्या किया था, पराजित किया था। तो इस ध्यान को भी रखना है कि हमायूं का जो प्रथम जो अभियान था, तो आपको पता है हमायूं का प्रथम अभियान 1531 में कालिंजर के ऊपर किया गया था। उस समय में कालिंजर का शासक चंदेल शासक था, जिसका नाम था प्रताप रुद्रदेव, को उन्होंने क्या किया था, पराजित। और यदि वो दूसरी बात 1532 ईस्वी में गोमती नदी के तट पर, बहुत शानदार क्वेश्चन है, तो 1532 में गोमती नदी के तट पर दोहरिया में हमायूं और महमूद लोदी और शेरशाह सूरी को पराजित किया था। बहुत शानदार क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी को इन्होंने क्या किया, पराजित। तो ये रखना है ध्यान में, 1532 में गोमती नदी के तट पर दोहरिया में
हुमायूं ने महमूद लोदी और शेरशाह सूरी को उन्होंने क्या किया था, पराजित किया था, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। तो हुमायूं का प्रथम जो अभियान था 1531 में कालिंजर पर किया था, उस समय में कालिंजर का शासक चंदेल शासक प्रताप रुद्रदेव को उन्होंने क्या किया, पराजित किया। 1532 में गोमती नदी के तट पर उन्होंने आक्रमण किया दोरिया युद्ध में। तो दोरिया युद्ध में एक तरफ हुमायूं था, एक तरफ महमूद और लोदी शेरशाह सूरी थे, दोनों को क्या किया था, पराजित किया था। फिर एक हुमायूं बात बाबर हुमायूं को कहता है कि इन चालार अफगानों से क्या रहो, बहुत शानदार। तो हुमायूं कहता है बाबर ने हुमायूं को कहा कि इन अफगानों से, शेरशाह सूरी के बारे में कह रहा है वो, कि उन बाबर ने हुमायूं को कहा कि इन अफगानों से दूर रहना क्योंकि वे बुद्धिमान हैं। क्योंकि शेरशाह सूरी बहुत बुद्धिमान था। तो आपको पता है बाबर ने हुमायूं को कहा कि इन अफगानों से क्या रहना, दूर रहना, क्योंकि वे बुद्धिमान है और अपने जो राज चिन्ह है वो मस्तक पर रखते हैं। उसके बाद में ये चीज़ आई, सबसे आगे बढ़िया 1535 में, ये ध्यान में रखना है, 1535 ईस्वी में मालवा और गुजरात पर आक्रमण करने वाला पहला शासक था। तो आपको पता है, ये भी ध्यान में रखना है, 1535 में मालवा और गुजरात पर आक्रमण करने वाला, या मालवा और गुजरात को उन्होंने अपने आधिपत्य में ले लिया था, ये पहला मुगल शासक था। तो हुमायूं एकमात्र ऐसा मुगल शासक 1535 में मालवा और गुजरात पर आक्रमण करने के उन्होंने पहला शासक था जिन्होंने मालवा और गुजरात को अपने आधिपत्य में कर लिया था। उसके बाद में देखिए, आपको बहुत शानदार टॉपिक आ रहा है, युद्ध आएंगे अब। तो आपको पता है दो युद्ध महत्वपूर्ण माने जाते हैं बाबर इस हुमायूं के। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है चौसा का युद्ध। तो आपको पता है चौसा कौन से स्टेट में, आपको बताया चौसा पश्चिम बंगाल राज्य में है। तो आपको पता है 26 जून 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। बहुत शानदार क्वेश्चन है, 26 जून 1539 में चौसा का क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। ये युद्ध शेरखां और हुमायूं के बीच हुआ था। बहुत शानदार टॉपिक है। तो चौसा का युद्ध 26 जून 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। ये युद्ध शेरखां और हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हो गया था। तो आपको पता है इस युद्ध में हुमायूं क्या हो गया था, पराजित। तो चौसा का युद्ध 26 जून 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। ये युद्ध शेरखां और हुमायूं के बीच हुआ था। ये युद्ध का मैदान फिर लिखना है इसमें, यह युद्ध का मैदान गंगा और करमनासा नदी के पास है। तो ध्यान में रखना है, यह युद्ध का मैदान गंगा और करमनासा नदी के बीच का मैदान था। अब इसमें वो ध्यान से पूछना है आपको, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं। तो इस युद्ध में शेरशाह ने शेरशाह की उपाधि धारण की। तो ध्यान में रखना है, इस युद्ध में शेरखां ने शेरशाह की क्या दी, उपाधि धारण की। शेरखां की उपाधि और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया।
अपने नाम का खुतबा पढ़ाया और सिक्का चलाया, तो हम कहेंगे कि इस युद्ध में, चौसा के युद्ध में शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की और सिक्का चलाया, सिक्का चलाया और अपने नाम के, अपने नाम का खुतबा खुतबा पढ़वाया पढ़वाया। तो आपको पता है हुमायूं के घोड़े को नदी में उतार दिया। तो उस समय हुमायूं डूब रहा था। तो एक निजाम बिस्ती ने उसे डूबने से बचाया। तो आपको ध्यान में रखना है कि हुमायूं के घोड़े को नदी में उतार दिया, उस समय हुमायूं डूब रहा था, तो एक निजाम बिस्ती ने उसे डूबने से क्या हुआ, बचाया। तो हुमायूं ने निजाम बिस्ती को आधे दिन के लिए शासक बना दिया। आधे दिन के लिए क्या कर दिया, शासक बना दिया। आधे दिन के लिए उन्हें क्या बना दिया, शासक बना दिया। और ये कौन कह रहा है, एक फरिश्ता इतिहासकार था, फरिश्ता ने कहा इसे आधे दिन के लिए क्या बना दिया, शासक। तो हुमायूं को निजाम बिस्ती को आधे दिन के लिए शासक बना दिया, किसने कहा, फरिश्ता ने। और एक जोहर आप तापसी ने कहा उन्हें दो दिन के लिए क्या बना दिया, शासक बना दिया। तो ये कौन सा युद्ध था, चौसा का युद्ध था। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कनौज का युद्ध। कनौज का युद्ध में चलते हैं हम, दो नंबर कनौज का युद्ध, ये भी बहुत शानदार है। इसे दूसरा नाम है बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। तो आपको पता है दूसरा युद्ध कौन सा था, बिलग्राम का युद्ध। तो ये इसी में ध्यान में रखना है आपको, तो कनौज का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। तारीख कब हुआ, 17 मई 1540 ईस्वी में, यूपी में है। कनौज का युद्ध का मैदान, बिलग्राम का युद्ध का मैदान कौन से स्टेट में है, आपको यदि वो स्टेट रखे तो यूपी। तो आपको पता है कनौज का युद्ध, इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, 17 मई 1540 में हुआ। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच ये निर्णायक युद्ध था। उसके बाद में आपको पता है शेरशाह सूरी पराजित हो गया इस युद्ध में। पराजित होने के बाद में ये शेरशाह सूरी निर्वासित जीवन काल में चला जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया का, इसमें हुमायूं पराजित हो गया। फिर आपको ध्यान में रखना है 1540 से, मतलब कनौज युद्ध के बाद 1540 से लेकर 1544 तक निर्वासित जीवन बिताया। आपको पता है ईरान का एक शासक था, ईरान के शासक शाह तुषप के पास शरण ले ली। शाह तुषप के पास शरण ले ली और इसने शर्त लिखी, संत ने शर्त रखी
रखी कि तू सिया मत का अनुसरण करेगा। सिया मत का क्या करेगा? अनुसरण करेगा। उसके बाद में आपको पता है, बहुत शानदार, उसके बाद में 1555 में आता है, वापस 54 में वो आ जाता है पाकिस्तान की तरफ। तो आपको ध्यान में रखना है, बहुत शानदार टॉपिक। उसके बाद में मच्छीवाड़ा का युद्ध भी लड़ता है, जो 15 मई 1555 ईस्वी में हुआ था। 15 मई 1555 ईस्वी में हुआ था। एक तरफ आपको पता है हुमायूं और एक तरफ आपको पता है सिकंदर शाह। आदिल शाह कह दो, सिकंदर शाह। सिकंदर शाह के बीच युद्ध होता है। उसके बाद में आपको पता है जुलाई 1555 में हुमायूं दूसरी बार, एक ध्यान में रखना है, हुमायूं एकमात्र ऐसा मुगल शासक था जिसका राज तिलक कितनी बार हुआ? 2 बार। तो आपको पता है गद्दी पर बैठने वाला हुमायूं एकमात्र ऐसा मुगल शासक था जो गद्दी पर कितनी बार बैठा? 2 बार। एक 1533 में बैठा, एक 1555 में बैठा, जुलाई 1555 में। और उसके बाद में यदि वो पूछता है जनवरी 1556 में शेरमंडल से गिरकर, 15 जनवरी 1556 में शेरमंडल से गिरकर मृत्यु हो जाती है। ये ध्यान में रखना आपको, जनवरी 1556 में शेरमंडल से गिरकर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। अब इसका प्रशासन परीक्षा में आता है। ये तो आपको युद्ध रखना है, युद्ध तो ज़्यादातर परीक्षा पूछे नहीं जाते इनके हुमायूं के, लेकिन इसमें इतना सा ध्यान रखना है। अब आपसे वो प्रश्न पूछेगा हुमायूं का मकबरा, यदि मैं पहला लूँ हुमायूं का मकबरा, यहाँ से प्रश्न पुटअप होता है परीक्षा में। अभी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आया था, हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पुरोगामी कहते हैं। तो ये आपको लिखना है ध्यान में, ताजमहल का पूर्वगामी। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो आपको पता है हुमायूं का मकबरा ताजमहल का क्या कहलाता है? पूर्वगामी, या कह सकते हैं वफादार पत्नी का वफादार पेशकश। बहुत शानदार क्वेश्चन है, वफादार पत्नी की वफादार पेशकश। तो आपको पता है हुमायूं का मकबरा, जिसे ताजमहल का क्या कहते हैं? पुरोगामी कहते हैं, वफादार पत्नी का वफादार पेशकश भी कहते हैं। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है, तो हुमायूं का मकबरा ताजमहल का पुरोगामी था, वफादार पत्नी की वफादार पेशकश थी। और आपको पता है हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार मिर्ज़ा गयास। बहुत शानदार टॉपिक है, परीक्षा में पूछा गया है। तो आपको पता हुमायूं का मकबरा ताजमहल का क्या था? पुरोगामी था, वफादार पत्नी का वफादार पेशकश, हुमायूं के मकबरे का जो वास्तुकार था वो था मिर्ज़ा गयास लगा दो भलाई। उसके बाद में इसका निर्माण 1565 में हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1565 में हाजी बेगम ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। तो हुमायूं का मकबरा ताजमहल का पुरोगामी था, वफादार पत्नी का वफादार पेशकश, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार था मिर्ज़ा गयास, हुमायूं के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। और अब आपसे वो पूछें कि हुमायूं के मकबरे में दिल्ली सल्तनत के कुछ से, ये तो ध्यान में रखना है आपको, हुमायूं के मकबरे में किस किस को पकड़ के रखा गया था? तो आपको मैं बताऊँ, हुमायूं के मकबरे में मुगल शहजादों
शहजादों को, हुमायूं के मकबरे मुगल शहजादों को दफनाया गया था और गिरफ्तार भी किया गया था और गिरफ्तार भी किया गया था। तो ये भी ध्यान में रखना आपको। तो हुमायूं के मकबरे में मुगल शहजादों को दिल्ली में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, हुमायूं के मकबरे में मुगल शहजादों को दफनाया गया और गिरफ्तार भी किया गया। जैसे मैं याद नाम लूँ, दारा शिको जहादर शाह, ठीक है, और आलमगीर सेकंड, इनको तो यहाँ पर आपको पता है हुमायूं के मकबरे को सब मकबरों का मकबरा भी कहते हैं, शमशान घाट भी कहते हैं। तो हुमायूं के मकबरे को शमशान घाट भी कहा जाता है, सब मकबरों की शमशान घाट। तो दारा शिको, जादर शाह, आलमगीर, बहादुर शाह, इनको दफनाया गया था। और आपको पता है हडसन को गिरफ्तार किया गया था। हडसन में 1857 की क्रांति के समय था, हडसन को क्या किया गया था, गिरफ्तार। तो आपको पता है हुमायूं के मकबरे में मुगल शहजादों को दफनाया गया था, गिरफ्तार किया गया था। दारा शिको, जादर शाह, आलमगीर, फर्रुख शेर, इनको यहाँ पर जादर शाह, इन सबको तो दफनाया गया था, क्योंकि हुमायूं के मकबरे में 50,000 व्यक्ति एक साथ दफनाए जा सकते हैं। इसलिए हुमायूं के मकबरे को मुगल काल का शमशान घाट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुगल काल का शमशान घाट भी कहा जाता है। हडसन को यहाँ पर क्या किया गया था? इनको यहाँ पर क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था। तो ये आपका क्या हुआ? हुमायूं के मकबरे के बारे में हुआ। अब रही बात हुमायूं के, आपको पता है हुमायूं के समय में एक बढ़िया और क्वेश्चन बनता है कि हुमायूं के समय में चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ था। हुमायूं के समय में चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ था, मतलब हुमायूं के समय में चित्रकला की उत्पत्ति हुई थी, चित्रकला आई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन चित्रकला का स्वर्ण काल है वो कहा जाता है जहांगीर को। लेकिन आपको ध्यान में रखना है हुमायूं के समय में चित्रकला का प्रादुर्भाव उत्पत्ति हुई थी। हुमायूं के समय में दो चित्रकार आए थे, एक तो देखो अबुद समद और एक आ जाए आपको अली नाम के दो चित्रकार थे, मोहम्मद अली। तो ये दो चित्रकार हुमायूं के समय में चित्रकला का प्रादुर्भाव उत्पत्ति हुई थी, अबू समद और मीर शेर अली, ये चित्रकार थे जो आपको बताया हुमायूं के समय में आए थे। लेकिन चित्रकला का स्वर्ण काल है वो किसको कहा जाता है? जहांगीर के काल को कहा जाता है। उसके बाद में हुमायूं की जो आगे जो साहित्य है, उनका जो कला है, उस अगले वीडियो में हमें पढ़ें। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।